नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विजय रूपाणी अस्पताल में भर्ती हैं। कल निकाय चुनाव के लिए प्रचार के दौरान वडोदरा के निजामपुरा में पहुंचे थे सीएम। सीएम रूपाणी मंच से भाषण देने के दौरान बेहोश होकर नीचे गिर गए थे, उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया था। बड़ी जानकारी इस वक्त की, सीएम विजय रूपाणी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम रूपाणी की तबीयत दो दिनों से खराब है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर रूपाणी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम रूपाणी से नियमित जांच कराने और आराम करने को कहा था। बड़ी जानकारी इस वक्त की, रूपाणी जिस रैली में बेहोश हुए वो वडोदरा में रविवार को उनकी तीसरी राजनीतिक रैली थी। वडोदरा सहित 6 नगर निगमों के चुनाव 21 फरवरी को होंगे, जबकि नगर पालिका जिला और तालुका पंचायतों के चुनाव 28 फरवरी को होने हैं। और इसी सिलसिले में वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, अचानक उनकी कल तबीयत बिगड़ी थी। वो मन से बेहोश होकर नीचे गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। विजय रूपाणी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल निकाय चुनाव प्रचारों के दौरान वो बेहोश हो गए थे, जिनसे उनकी हालत बेहद बिगड़ गई थी। उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बताया जा रहा था। सीएम रूपाणी मंच से भाषण देने के दौरान नीचे गिरे। आपको बता दूं कि गुजरात में तमाम चुनाव होने हैं, जिसको लेकर स्थानीय चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है। इसी सिलसिले में सीएम रूपाणी भी कल वडोदरा पहुंचे, जहां उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो दिन से उनकी तबीयत खराब है। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी कोरोना की जाँच की गई, जो कि पॉजिटिव पाई गई है।